अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की सब्जी। बहुत टेस्टी और लाजवाब बनते हैं ये, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर हमने लिया है आलू, ऐसे पीस पीस करके। यहाँ पर हमने लिया है मटर, और ये सोयाबीन पानी में भिगो कर रखा है हमने इसको। ये प्याज, लहसुन, अदरक, ये देखिए अदरक, लहसुन, प्याज, और ये टमाटर हमने इसको पीस पीस करके काट लिया है। देखिए ऐसे काटना है आपको। हमने गैस पे कढ़ाई बैठा दिया है, कढ़ाई पे हमने तेल ऐड किया है। अब इसको हम गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम प्याज, लहसुन, अदरक को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने हरी मिर्ची भी ऐड किया है। इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो रहा है। देखिए ये हल्का सा कलर आ रहा है इसमें, फ्राई हो चुका है हल्का सा। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं टमाटर, अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए ये हल्का सा फ्राई हो रहा है। देखिए ये ब्राउन हो चुका है हल्का सा। देखिए अब हम इसको मिक्सी में रख देंगे। यहाँ पर हमने मिक्सी में इसको ऐड कर दिया है। ये देखिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हम गैस पे फिर से कढ़ाई बैठा देंगे, कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अब तेल को भी हम गर्म होने देंगे 2 मिनट तक। ये तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पर हमने मिर्ची ऐड किया है, और ये तेज पत्ते, प्याज हमने ऐड कर दिया है तेल पे। ये देखिए हम इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम वो हमने पेस्ट करके रखा था प्याज, लहसुन और टमाटर का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसको पूरी तरह से हम मिक्स करेंगे।
तरह से पक रहा है। ये देखिए इसका कलर आ रहा है धीरे धीरे से। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, ये लाल मिर्ची पाउडर और ये नमक और इसके साथ ही जीरा पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको पूरी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ऐसे इस तरह से। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया है मटर, अब देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे आलू। आलू जो हमने पीस पीस करके रखा था वो आलू हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन। सोयाबीन हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है सोयाबीन। अब हम इसको मिक्स करेंगे इसके साथ। अब देख रहे हैं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है टमाटर। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आपको भी इसी तरह ही करना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं धनिया पत्ता। धनिया पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम पूरी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए देखिए हमारे सोयाबीन का चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।